जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अगले जुमेरात यानी कि 8 फरवरी 2024 को आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए जरूर निकलना है। आज की वीडियो में हम एक अहम मालूम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो है कि जब आप पोलिंग स्टेशन में घुस जाएंगे, आप पोलिंग एजेंट को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपनी वो देंगे, पर्ची देंगे जिसपे घराना नंबर, सिलसिला नंबर लिखा होगा, तो वो उसके बाद आपको दो शीटें देगा, एक सब्ज रंग की जो कि आपकी कौमी हल्के के लिए होगी, एक सफेद रंग की जो कि सूबाई हल्के के लिए होगी। फिर वो आपको एक ठप्पा लगाने वाली स्टैंप दे देगा और कहेगा कि कोने में या पर्दे के पीछे चले जाएं कि ताकि आप आराम सुकून से अपना वोट दर्ज कर सकें। अच्छा, अब इसमें जरूरी बात क्या है कि आपने ये देखना, आप ये समझ लें कि ये आपकी वो वोट डालने वाला कागज है या पर्ची है जिसको हम कहते हैं। तो आप ये देखें कि ख्वाह वो सब्ज हो या सफेद हो, उसके अंदर दो कॉलम होंगे, दो हिस्से होंगे। एक हिस्से में सब नाम लिखे होंगे और दूसरे हिस्से में हर नाम के आगे निशानात बने होंगे। तो आपने सबसे पहले तो इस बात की यकीन दहानी करनी है कि जो कैंडिडेट पीटीआई की तरफ से नॉमिनेटेड है, जो कारकुनान नुमाइंदगान आगे रखे गए हैं कौमी या सूबाई हलकों के लिए, पहले आप उसे नाम से पहचान लेंगे, फिर आप नाम के आगे देखेंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि उसका निशान भी वही है जो आपको बताया गया, ठीक है, ताकि उसमें गलती ना हो। उसके बाद आप अपनी वो स्टैंप लेंगे और सही निशान और सही नाम के आगे ठप्पा लगाएंगे। ठप्पे लगाने में एक बहुत जरूरी बात, आपने ठप्पा लगाते हुए ना तो लाइन के ऊपर ठप्पा लगाना है, ना तो लाइन के नीचे ठप्पा लगाना है। कोशिश यह करनी है हर दर्जा के जो निशान है उसके ऊपर ही ठप्पा लगे, एक तो ये। दूसरी बात यह कि आप उसको आधा मिनट या एक मिनट देंगे कि यह स्याही ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर आप गीली स्याही पेपर को या कागज को तह लगाने की कोशिश करेंगे तो ये स्याही नीचे भी लग सकती है, ऊपर भी लग सकती है और आपका वोट जाया हो सकता है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, इसी पर्ची को तय करने का सही तरीका क्या है? आप जब ठप्पा लगा लेंगे तो आपने इसको आधा आधा करके फोल्ड नहीं करना, ये गलत तरीका कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आपकी स्याही इस आधी तह की वजह से नीचे भी लग सकती है और ऊपर भी लग सकती है, और जैसे मैंने कहा कि आपका वोट जाया हो सकता है। दोनों पर्चियों को, सूबाई और कौमी हल्के को, तय करने का सही तरीका कार ये है कि आपने उसको दरमियान में से आधा आधा फोल्ड करना है, तय लगानी है, यूं ऊपर नीचे नहीं करनी, साइड बाय साइड करनी है, यूं ये पहली तह लग जाएगी, उसके बाद दो फोल्ड्स या दो तहें और लगेंगी, एक और जी ये दो। आपने अपने सफेद पर्ची को भी इसी तरह तय लगानी है, हरी सब्ज पर्ची को भी इसी तरह तय लगानी है, और सब्ज पर्ची जो है सब्ज डब्बे में और सफेद पर्ची सफेद डब्बे में जाएगी। प्लीज ये मालूमात अपने घर वालों के साथ भी शेयर करें और अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।